हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने किसी सैटेलाइट की एनर्जी का डिस्कशन किया था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, ये हमने डिस्कशन किया था। अब हम एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होगा, टोटल एनर्जी डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होगा। अब हम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, तो आइए हम ग्राफ का डिस्कशन करते हैं। एनर्जी ग्राफ फॉर ए सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट के लिए एनर्जी ग्राफ की बात करेंगे। आइए देखें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन एलिप्टिकल पाथ। हमें पता है कि कोई भी सैटेलाइट जब किसी प्लैनेट के चारों रिवॉल्व करता है तो एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। तो इलिप्टिकल पाथ में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, और के यहाँ से बाकी चीजें कॉन्स्टेंट है, के प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर आ जाएगा। तो जब भी एक कोई क्वांटिटी वाई हो दूसरी क्वांटिटी एक्स हो, वाई प्रोपोर्शनल वन अपॉन एक्स हो, तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ एक हाइपरबोला आता है। क्या आता है? हाइपरबोला आता है। जब भी एक क्वांटिटी वाई हो एक क्वांटिटी एक्स हो, वाई प्रोपोर्शनल वन अपॉन एक्स हो, तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो वो ग्राफ एक हाइपरबोला आता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक हाइपरबोला आएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा। तो आइए हम देखें काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा आएगा। ये आपका डिस्टेंस एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है, इधर एनर्जी पॉजिटिव है इधर एनर्जी निगेटिव है। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो आएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव है, मीन्स के प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, नंबर एक जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, नंबर एक जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आर भी पॉजिटिव है के भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये तो रहा काइनेटिक एनर्जी के विषय में। आइए हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है, लेस देन जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये निगेटिव में है। जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, क्योंकि आर तो पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव इधर हो गया, और यू निगेटिव होगा तो यू इधर आएगा, तो आपका ग्राफ जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इधर आएगी। और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। आइए हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर है, ये लेस देन जीरो है मीन्स निगेटिव है, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा निगेटिव है। तो इसका भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, लेकिन मोर नेगेटिव है तो ज़्यादा इसकी डीप होगी। तो देखिए टोटल एनर्जी का ग्राफ ये आएगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन ये मोर नेगेटिव है तो ये ज़्यादा देखिए डेप्थ में है ग्राफ, और ये कम डेप्थ में ग्राफ है। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी एनर्जी है, इधर पॉजिटिव एनर्जी इधर नेगेटिव एनर्जी, तो ये डिफरेंट एनर्जी का जो है ग्राफ है पोजीशन के साथ या डिस्टेंस के साथ। आइए अब हम इलिप्टिकल पाथ में देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखिए ये कोई सैटेलाइट है, ये सन फोकस पर है, इसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ सन से ये मैक्सिमम डिस्टेंस ये है और ये सेमी मेजर एक्सिस ए है। जब ये सैटेलाइट यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो इसको हम अपोगी कहते हैं, और जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर होता है तो इसको हम पेरिगी कहते हैं। जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, वेलोसिटी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है।
और जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो इस तरीके से जब कोई सैटेलाइट जो है किसी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है या प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है। ये आपकी अपोगी है, ये आपकी पेरिगी है। सन से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट अपोगी कहलाता है, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट पेरिगी कहलाता है। और यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पर जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ओके, ये आपका फोकस है, जहाँ सन होता है उसको फोकस कहते हैं। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट को सन से ज्वाइन करने वाली ये लाइन पोजिशन वेक्टर आर है। ओके, आइए देखें। इफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज इलिप्टिकल, अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट लेंगे तो जहां पर आर था वहां पर हमारा सेमी मेजर एक्सिस ए आ जाएगा। जहां पर आर है वहां पर सेमी मेजर एक्सिस ए आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी ई इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू ए। तो जब हम इलिप्टिकल ऑर्बिट लेते हैं तो आर के जगह पर सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए आ जाता है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू ए। अब यहां से देखिए, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन द सैटेलाइट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब ये पेरिगी पर होगा मीन सैटेलाइट अर्थ के क्लोजेस्ट में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब सैटेलाइट उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा जिसको अपोगी कहते हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका उल्टा होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब वो अपोगी पर होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब वो पेरिगी पर होगा। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, आइए बाइंडिंग एनर्जी के विषय में जाने कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम की कैसे डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है क्या। आइए देखिए, देखिए टोटल एनर्जी सैटेलाइट की नेगेटिव है, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की क्या है, नेगेटिव है। किसी भी सिस्टम की जब टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है इसका मतलब वो सिस्टम एक बाउंड सिस्टम है, वो सिस्टम एक बाउंड सिस्टम है। और यहाँ पर सैटेलाइट जो है वो अपने प्लैनेट के द्वारा बंधा हुआ है, बाउंड है, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। तो देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज नेगेटिव, जब भी कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में होता है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी मीन्स दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू द सेंट्रल बॉडी बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव इट फ्रॉम द ऑर्बिट टू द इन्फिनिटी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हो गया कि जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने सेंट्रल बॉडी जिसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो प्लैनेट से बाउंड है, अगर वो सैटेलाइट अगर वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उससे वो बाउंड है, तो जिस भी सेंट्रल बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उससे बाउंड है। और उसको उसके ऑर्बिट से अगर हम निकालना चाहते हैं, इन्फिनिटी पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। निगेटिव एनर्जी का मतलब यह है कि कोई भी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिस सेंट्रल बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उससे बाउंड है। अगर हम उसको वहां से निकालना चाहते हैं, उस ऑर्बिट से इन्फिनिटी पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब जितनी एनर्जी हमें वहाँ किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सप्लाई करना पड़ेगा जिससे उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। आइए देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू द इन्फिनिटी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सैटेलाइट को उसकी जिस भी वो ऑर्बिट में है वहां से निकाल करके इन्फिनिटी तक रिमूव करने में जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उस सैटेलाइट को, वो कहलाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। हमें पता है कि इन्फिनिटी पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जीरो। इन्फिनिटी पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी सैटेलाइट के पास जितनी एनर्जी है अगर इसके निगेटिव के बराबर एनर्जी दे दें तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी हो जाएगी माइनस टोटल एनर्जी के निगेटिव के टाइम, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर। तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाएगी। ओके, तो किसी भी सिस्टम को डिसअसेंबल करने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है उस सिस्टम को, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर सैटेलाइट के केस में हम बात करेंगे तो किसी सैटेलाइट को सप्लाई की गई वो एनर्जी जिससे वो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में है उसको छोड़ करके इन्फिनिटी में चला जाए, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें।